वेलकम टू रेसिपी हब विद लुपना। आज बनाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ खास। हमने लिया है बॉयल चिकन, अंडा उसमें श्रेड करके डाला है, उसमें डाला है हमने हरा प्याज, लेटस, ऑलिव्स। सब्जियां अपने पसंद की कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। हमने डाला है ब्लैक पेपर, चिली गार्लिक सॉस और इसमें जाएगा मेयो। मेयोनीज डालने के बाद हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स और इस हम सैंडविच का बैटर बना लेंगे। ये हमारा सैंडविच का मिक्सचर रेडी है। अब हमने क्या करना है, हमने लेने हैं ब्रेड के स्लाइसेस। ब्रेड के स्लाइसेस पे सबसे पहले हम लगाएंगे केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस, कोई सी भी आप अपनी पसंद की सॉस लगाएं। ब्रेड के दोनों साइडों पर केचप लगा के आप उसको स्प्रेड करें। इसके बाद जो हमने सैंडविच का मिक्सचर बनाया है वो आप उसको अच्छी तरह स्प्रेड करें। इसमें जाएंगे चीज़ स्लाइसेस अपनी पसंद के कोई भी, मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इसके बाद बहुत आसान सा तरीका है, फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और मीडियम फ्लेम पर सैंडविच को दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक टोस्ट कर लें। उस जब धीमी आंच पर करें ताकि चीज़ भी मेल्ट हो जाए। उसके बाद मज़ेदार से गर्मा गर्म सैंडविच रेडी हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, आप उन्हें लंच बॉक्स में दें या फिर उन्हें स्नैक टाइम में दें, आप टी टाइम में खुद भी घर वालों के लिए ये बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान चिकन ब्रेड सैंडविच की रेसिपी है। घर में मौजूद ज़रा सी चीज़ों से आपने बैटर बनाना है और बना लेनी है सैंडविच। तो बच्चों को अपने जो है वो लंच बॉक्स में आपने ये सैंडविच बना के लास्ट में देने हैं, क्योंकि स्कूल अब खुलने वाले हैं। और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि ये सैंडविच आपको और आपके घर वालों को कैसे लगे हैं।